हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से बनाने वाले पटैटो, जिसे पलारी पटैटो भी कहते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, क्रंची क्रंची, और बहुत ही आसानी से और फटाफट हम इसको बना भी सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बनाना। तो फलारी पटेटो के लिए यहाँ पर मैंने बड़े साइज के 2 आलू लिए हैं बॉईल करके, जिसको मैंने छील के कद्दूकस कर लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से मसाले और मिर्ची। तो ये मैंने यहाँ पर एक मिर्ची कट करके ले ली है बारीक, साथ में हमने अदरक ले ली है क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। और अब डालेंगे हम यहाँ पर थोड़ी सी धनिया पत्ती, साथ में डाल रहे हैं हम यहाँ पर 1 स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें। 1/2 स्पून डालेंगे ब्लैक पेपर क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। कुछ लोग रेड चिली नहीं खाते हैं, अगर खाते हैं तो वो डाल सकते हैं, जो नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 1/2 स्पून अमचूर पाउडर, और अमचूर पाउडर की जगह आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रहे हैं। और अभी हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी हम हाथ की हेल्प से या स्पून की हेल्प से इसको मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेते हैं। ये डो मेरा बन गया है, इसको साइड रख देते हैं। और हमने लिया है यहाँ पर 1 कप कूटू का आटा लिया है, और इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच चावल का आटा, यानी जो सवा के चावल होते हैं उसका आटा हम इसमें ऐड कर रहे हैं। वो इस वजह से कि इससे बहुत ही क्रिस्पी हमारा जो बॉल है वो बनकर तैयार होगा। और अभी हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रहे हैं, साथ में हम डालेंगे इसमें पानी, और इसका हम बैटर तैयार कर रहे हैं जिसमें हम अपनी बॉल को कवर करेंगे, या पटैटो जो बनाने हैं उसको कवर करेंगे। ये मैंने पानी डालकर मिक्स कर दिया है, और मैंने यहाँ पर 1 कप आटा लिया था और उसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाला था और पानी लिया था। तो पानी जो है वो हमारा 1 कप लग गया है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे, बिल्कुल इवन फ्लो में इस तरीके से डल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे नींबू और उसको कट करके हम इसके अंदर नींबू का रस डाल देंगे, लगभग 2 से 3 चम्मच, यानी हमने इसमें 1/2 नींबू लिया है, काफ़ी रस निकल रहा है। तो इसमें हमने 1/2 नींबू डाला है या 2 चम्मच नींबू का रस। तो ये हमने मिक्स कर लिया है लेमन जूस, इसे साइड कर देते हैं, वापस अपना डो ले ले रहे हैं। और इसको क्या करना है हमें, हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये ऑयल हमें हाथ पे लगाना है, जो हम व्रत पे ले खाते हैं कोई भी ऑयल या घी जो आप ले रहे हैं। और अब बनाएंगे हम इसके बॉल इस तरीके से, अपने मनपसंद साइज से आप बॉल तैयार करेंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से सारे डो की मैं बॉल बना लेती हूँ। सारे मैंने बॉल्स बना लिए हैं इस तरीके से, तो सारे बॉल बना लेंगे। और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो हमने ऑयल गरम कर लिया है, आप जो भी फूड ऑयल खाते हैं व्रत में आप वो लेंगे, और बॉल लेंगे। बॉल हम डालेंगे बैटर में, बैटर से हम बॉल को करेंगे कवर इस तरीके से, और हम डालेंगे उसे कढ़ाई के अंदर। तो इसी तरीके से सारी बॉल डाल लेते हैं और पलट कर हम उसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। जब थोड़ा सा सिक जाएगा हमें तभी इसको पलटना है, वरना अगर हम डालते के साथ इसको पलटना शुरू करेंगे तो क्या होगा, बॉल्स फट जाएंगे हमारी बॉल। तो थोड़ा जब सिक जाएगा तो हम उसको पलट देंगे इस तरीके से, थोड़ा ध्यान से आप इसको पलटें। और अब हम इसको सिकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर और क्रंची होने तक। सिकने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए, क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे अच्छे से पटेटो बनकर तैयार हो गए हैं, फलारी पटेटो। तो अब इसको साइड करके हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे फलारी पटेटो बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही क्रंची भी बने हैं। तो आप इसको गर्मा गर्म दही से, चटनी से, या फिर चाय से, किसी से भी खा सकते हैं। बनाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है या बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, रिवर वाली कंसिस्टेंसी में। और दूसरा, जब हम उसको फ्राई कर रहे हैं तो, और हम उसको
ठंडे ऑयल में नहीं डालेंगे, जब अच्छा खासा गर्म हो जाएगा ऑयल तभी हम उसको डालेंगे, और जब वो थोड़ा सिक जाएगा तभी हम उसको पलटेंगे, वरना बॉल फूट जाएंगी। तो इसी तरीके से आप बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए पोटैटो के साथ। और कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।